हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल एक्सप्लोरिंग नेचर ओनली फॉर नेचर लवर पर स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि प्लांट को, जो ओल्ड प्लांट है, उसको गमले से निकाल के फिर से उसको उगाना। सबसे पहले हमने गमले को सेफली खाली कर लिया है और प्लांट को बाहर निकाल लिया। उसके बाद हमने एक कपड़ा यूज़ किया है, कपड़े को उसमें रख दिया। उसके ऊपर हम जो प्लांट से मिट्टी निकली थी वो, और उसमें कुछ हमने खाद मिला ली है, गोबर की खाद मिला ली है, और हमने तीन गमले ऐसे खाली किए हैं। तीनों को हम फिर से मिट्टी से भर देंगे और उसके बाद प्लांट इसमें लगाएंगे, क्योंकि ये गमले बहुत पुराने हो गए थे। जो ये मिट्टी वाले गमले दो दिख रहे हैं आपको, ये दोनों गमले कम से कम 8-9 साल पुराने हैं, और जो सीमेंट वाला है ये 30 से 32 साल पुराना गमला है। 30 साल के बाद हमने इसको दोबारा से मिट्टी निकाल के दोबारा इसमें भर रहे हैं। साथ में हमने नीम के पत्ते, केले के छिलक, और भी हम इसमें जो फ्रूट वगैरह का डस्ट जो भी है वो ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, उसके बाद ये खाद के अंदर ही बदल जाएगा और पौधे को ये ज़रूरी पोषक तत्व मिल जाएंगे। अब हम इसमें पी जो यूज़ करते हैं उसको हमने धो के सुखा लिया था, वो भी हमने सारे गमलों में ऐड कर दिए। हम इन गमलों को तैयार कर रहे हैं और कल हम कुछ नए पौधे लेके आएंगे, उसमें से गेंदे का फूल होगा मैरीगोल्ड, और उसके अलावा एक दो नया प्लांट लेके आएंगे और कुछ इंडोर प्लांट भी लेके आएंगे, उनके ऊपर भी जल्दी वीडियो बनाएंगे हम। फिलहाल हम इसमें हमने तुलसी को उगाया था पहले, और इसमें हम फिर से उसी तुलसी के प्लांट को फिर से उगा देंगे दोबारा। जब भी आप किसी प्लांट को निकालते हैं तो याद रहे कि उसके ऊपर से हमने सारी मिट्टी नहीं हटानी, इससे पौधे को शॉक लग सकता है और वो मर सकता है। हमने मिट्टी सारी नहीं हटाई, बहुत कम मिट्टी हटाई थी। अब हमने इसको जैसे पहले था वैसे कवर कर दिया, और थोड़ा पानी दे देंगे मिट्टी भरने के बाद, और पौधा फिर से उग जाएगा। ये मतलब बहुत बेस्ट तरीका है। मतलब नीचे कुछ लोग उसमें गमले में जैसे हमने कपड़ा रखा है वैसे उसके नीचे छोटे छोटे पत्थर भी रख सकते हैं, लेकिन हम इस तरह से यूज़ करते हैं, तो आपको हमने बताया। अब हम एक तो पौधा इसमें उगाएंगे, ये फ्लावर्स के पौधे हैं, प्लांट हैं। इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहेंगे, और अभी हमारी कलेक्शन धीरे धीरे बढ़ रही है, और बहुत जल्दी हम सभी प्लांट्स की वीडियो इकट्ठी बनाएंगे।